नमस्ते, यहाँ पर हमने लाइट कैम वर्सन 1.4 का जो लेटेस्ट अपडेट है इंस्टॉल किया है एंड इस गूगल कैमरा के साथ जो ढेर सारी फीचर्स को ऐड किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखना, लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइट कैम का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा, अलग अलग फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है, जैसे कि यहाँ पर एचडीआर मोड का ऑप्शन है, एलडीआर मोड का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, यहाँ पर क्विक सेटिंग्स पैनल देखने को मिलेगा, यहाँ पर 10x तक जूम का ऑप्शन है, टैप टू फोकस का ऑप्शन, इस ऑप्शन के साथ जो है ब्राइटनेस एंड शेडो का एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है फेस रिटैचिंग एचडीआर एनहांस मोड का ऑप्शन है, नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा, मैनुअल फोकस के साथ जो है नियर फार इन्फिनिटी का ऑप्शन है, ऑटो वाइट बैलेंस भी काम कट जाएगा, एक्यूरेट कलर देखने को मिल जाएगा, एस्ट्रो फोटोग्राफी का ऑप्शन है, एस्ट्रो मोड भी काम कट जाएगा, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। फिलहाल Redmi Note 11 डिवाइस के साथ जो है वीडियो रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है एंड यहाँ पर टाइम लैप्स स्लो मोशन फोटो एस्पर मोड का ऑप्शन है। 360 फोटो क्लिक करने के लिए जो फोटो एस्पर मोड जो है यहाँ पर काम कर जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सेटिंग्स मेनू के ऊपर क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ इस तरह से सेटिंग्स मेनू देखने को मिलेगा, डार्क मोड के साथ जो है सेटिंग्स मेनू अवेलेबल है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पर लाइट थीम को एनेबल करते हैं, तो हमने यहाँ पर डिफॉल्ट थीम को सिलेक्ट किया है, उसके बाद जीकैम को रीस्टार्ट करना होगा एंड यहाँ पर अलग अलग बटन्स जो है एनेबल हो गया है। तो यहाँ पर ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे ऐड किया गया है, फोकस ट्रैकिंग का ऑप्शन है, अलग अलग बटन्स को ऐड किया गया है व्यू फाइंडर के ऊपर। एनीवे यहाँ पर सबसे पहले जो है कैमरा साउंड को डिसेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। व्यू फाइंडर के ऊपर जो मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा, गूगल लेंस साजेशन का ऑप्शन है, फ्रेमिंग हिंट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर सेव सेल्फी एज प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, सोशल शेयर का ऑप्शन है, डायरेक्टली जीकैम से फोटो वीडियो को शेयर कर सकते हो, गेस्चर्स का ऑप्शन है, डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वॉल्यूम बटन के साथ जो है फोटो क्लिक कर पाओगे, शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, जूम कर पाओगे, वॉल्यूम को भी एडजस्ट कर सकते हो एंड यहाँ पर ग्रिड टाइप का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान कोई भी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा जीकैम के साथ। यहाँ पर जो है एडवांस ऑप्शन के ऊपर एचडीआर कंट्रोल का ऑप्शन है, रॉ फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिजिटल जूम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो है 40x या पर 45x 100x प्लस 300x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो हार्डवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर हम 100x को सिलेक्ट करते हैं प्लस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के ऊपर जो जूम होते हैं उसे डिसेबल करने का ऑप्शन है। यहाँ पर मल्टीपल लेंस को एनेबल करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, टेलीफोटो लेंस अल्ट्रावाइड लेंस को एनेबल करने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमने जो 100x जूम को सिलेक्ट किया है, देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से आपके डिवाइस के ऊपर जो हार्डवेयर है उसके ऊपर सिलेक्ट करेगा। Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से 20 के आसपास काम कर रहा है, 20x जो है काम कट जाएगा एंड 22 के आसपास जो है यहाँ पर देख सकते हो काम कर रहा है। तो यहाँ पर लगभग 25x तक जूम कर पाओगे Redmi Note 11 डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर जो है 100x एंड 300x जूम का जो ऑप्शन से काम कट जाएगा प्लस यहाँ पर डिजेबल हेक्सागन डीएसपी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, एचडीआर प्रोसेसिंग के साथ जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन से यहाँ पर काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। इस तरह से काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन अवेलेबल है। वीडियो सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो आप जो है इस जीकैम के साथ 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, HEVC फॉर्मेट में वीडियो को रिकॉर्ड करने का ऑप्शन है, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, EIS का ऑप्शन है प्लस ऑप्टिकल वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, OIS का जो
सपोर्ट है ऐड किया गया है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर OIS का भी सपोर्ट होना चाहिए। प्लस वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर 100 Mbps तक जो है वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज कर सकते हो, काफी बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस HDR मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर 45 तक फ्रेम का इंक्रीज, यहाँ पर फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे फोटो क्लिक होने में टाइम लगेगा, बट आपको बेटर क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर जो है प्लस XML फाइल को इंपोर्ट करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, यहाँ पर इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर इस गूगल कैमरा के साथ जो है पर इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर लाइका लेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लाइका सिनेमेटिक इफेक्ट के साथ जो है फोटो क्लिक कर पाओगे। पिक्सल ऑटो वाइड बैलेंस इन HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर लिप पैचर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, लिप पैचर के साथ जो है फोटो का जो क्वालिटी उसे इंप्रूव कर सकते हो, लूमा क्रोमा सैचुरेशन कॉन्ट्रास्ट ISO सभी को आप जो है एडजस्ट कर सकते हो फोटो क्लिक करने से पहले ही। तो यहाँ पर जो है मेन कैमरा टेलीफोटो लेंस एंड अल्ट्रावाइड लेंस के ऊपर जो है लिप पैचर को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, तो कुछ इस तरह से UI देखने को मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर हम इस गूगल कैमरा के साथ लाइट कैम के साथ जो कुछ फोटो को क्लिक करते हैं, सभी फोटो को हम जो है आपके सामने लाइव क्लिक करने वाले हैं। एनीवे देखते किस तरह से यहाँ पर जो है फोटो क्वालिटी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है पर 16:9 को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। मोशन यहाँ पर जो मोशन फोटोज का जो ऑप्शन है डिसेबल है, रॉ फोटोज को हमने डिसेबल कर दिया है, ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन है हमने यहाँ पर एनेबल कर दिया है, यहाँ पर जो लाइका मोड है यहाँ पर एनेबल है, बाकी कुछ फोटो क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फोटो क्लिक करने के दौरान कुछ इस तरह से जो प्रोसेसिंग इंडिकेटर है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो है सोशल शेयर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ पर जो लाइक अमाउंट है यहाँ पर एनेबल है, हमने यहाँ पर लाइक अमाउंट को एनेबल किया है इमेज प्रोसेसिंग के साथ। तो यहाँ पर हम लाइक अमाउंट के साथ ही फोटो क्लिक करने वाले है, देख सकते हो यहाँ पर जो शटर स्पीड है काफी फास्ट है, तो यहाँ पर HDR मोड के साथ जो काफी फास्ट फोटो क्लिक कर सकते हो। नाउ यहाँ पर जो HDR एनहांस मोड है इसे सिलेक्ट करते हैं, HDR एनहांस मोड के साथ जो है पर ज्यादा फ्रेम के साथ जो है फोटो क्लिक होता है, इसलिए फोटो के साथ जो है ज्यादा अच्छा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। इवन HDR फ्रेम को आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर पाओगे, इस ऑप्शन को भी ऐड किया गया है जो कि काफी बढ़िया तरीके से जो है पर काम कर जाएगा। और भी कुछ और फोटो को यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमारे पास है यहाँ पर ओके फोन डिवाइस, एंड यहाँ पर हम मल्टीपल फोटो को क्लिक करने वाले हैं, देखते हैं किस तरह से पर जो क्वालिटी देखने को मिलेगा। एंड इस कैमरा एप्लीकेशन का जो है डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस कैमरा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, लाइट कैम को जो है डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पर डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, आप सिंपली डबल टैप करके भी जूम करके भी फोटो क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पर 100x यहाँ पर 300x जूम का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, काफी बढ़िया जो है। डेफिनेटली आपके डिवाइस के ऊपर जो हार्डवेयर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट बढ़िया क्वालिटी देखने को मिलता है, यहाँ पर डिजिटल जूम देखने को मिल जाएगा। एनीवे देख सकते हो हम यहाँ पर मल्टीपल फोटो को क्लिक कर रहे हैं, एंड सभी फोटो के साथ जो है बढ़िया डिटेल्स बढ़िया क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। हमने यहाँ पर अलग अलग फोटो को जो यहाँ पर क्लिक किया है, एंड सभी फोटो के साथ जो है बढ़िया डिटेल्स जो है देखने को मिल जाएगा। नाउ अभी फिलहाल बात कर लेते हैं पर जो है फोटो सैंपल के बारे में, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस को भी ऐड किया गया है, इसके साथ भी आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है लाइक अमाउंट के साथ हमने इस फोटो क्लिक किया है, एंड काफी बढ़िया जो है पर फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगा, फोटो के ऊपर डिटेल्स भी बढ़िया है, यहाँ पर लाइक प्रोसेसिंग के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो। प्लस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, LDR मोड एंड HDR मोड के ऊपर स्विच करने के लिए व्यू फाइंडर के ऊपर बटन का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर डार्क मोड भी काम कर जाएगा सेटिंग्स के साथ, एंड ओवरऑल व्यू फाइंडर UI के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा, एंड सभी फोटो के साथ जो है काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देखने को मिलता है, यहाँ पर HDR मोड काम कर जाएगा। एंड डेफिनेटली आप जो यहाँ पर सोशल मीडिया रेडी फोटो क्लिक कर सकते हो, फोटो के ऊपर डिटेल्स बढ़िया है, एंड फोटो के साथ जो नॉइस है उसे भी रिड्यूस किया गया है,
डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगा, बेटर कलर विथ बेटर डिटेल्स देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस के साथ भी इम्प्रूवमेंट है। डेफिनेटली आप चीज़ गूगल कैमरा को एज ए डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो।